हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। सो हम लोगों ने एडिशन थ्योरम को स्टार्ट किया था एंड प्रोबेबली ये टाइप टू का प्रोबेबिलिटी में टाइप टू क्वेश्चन का आज ये लास्ट लेक्चर हो। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइप टू में जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएं। क्लियर है ना? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप सभी? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसको टिक मार लेंगे और थोड़ा सा हटके है, इसलिए अपने कॉपी में बनाते टाइम जब आप इसको बनाए तो अपने कॉपी में इसको थोड़ा सा टिक मार ले। क्लियर है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वन पर्स कंटेन 1 रुपी एंड 4 हाफ रुपी कॉइन। बोला जा रहा है कि कोई एक पर्स है और इस पर्स में क्या है, 1 रुपी कॉइन एंड 4 हाफ रुपी कॉइन। एक रुपी कॉइन है और 4 हाफ रुपी कॉइन है। A second purse contained 2 रुपी and 3 हाफ रुपी coin। इसी तरीके से एक और पर्स है और इस पर्स का क्या कहानी है, इस पर्स में 2 1 रुपी का कॉइन है और 3 हाफ रुपी के कॉइन है। क्लियर है ना? आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। एंड अ थर्ड पर्स कंटेन, एक और पर्स है और इस पर्स में क्या है, तो 3 रुपी कॉइन है, 3 1 रुपी वाला कॉइन है और 2 हाफ रुपी वाला कॉइन है। अब आपसे पूछा जा रहा है वन पर्स इज सेलेक्टेड एट रेंडम। अब जब यहाँ पे काम क्या है, आप ध्यान से समझो, सबसे पहला काम जो करना होगा वो होगा कि इन 3 पर्स में कोई एक पर्स को सेलेक्ट करना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 पर्स है तो सबसे पहले किसी पर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी वन पर्स आउट ऑफ दीज 3 पर्स, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक पर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है और टोटल 3 पर्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी पर्स, चाहे वो फर्स्ट पर्स हो, चाहे वो सेकेंड पर्स हो, चाहे वो थर्ड पर्स हो, क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर है ना? Probability of selecting any purse is equal to 1/3। Clear है ना? Question हमसे सिर्फ इतना पूछता है कि what is the probability of selecting a purse, तब हम आंसर क्या बोल लेते हैं, 1/3। लेकिन question यहां तक नहीं है, question आगे दिया हुआ है कि आउट ऑफ दीज अ कॉइन इज टेकन। सबसे पहले क्या किया गया, एक पर्स का सिलेक्शन किया गया। अब जो पर्स का सिलेक्शन किया गया उससे एक कॉइन निकाला गया। हो सकता है कि फर्स्ट, आप यहां पे अब समझो, पहले यहां पे ये एश्योरिटी नहीं है कि फर्स्ट पर्स एक कॉन्टेन किया गया और उससे 1 रुपया वाला कॉइन निकाला जा रहा है। ये भी एश्योर हम नहीं है कि सेकेंड पर्स को सेलेक्ट किया गया है और उससे 1 रुपये वाला कॉइन को निकाला जा रहा है। ये भी हम एश्योर नहीं है कि थर्ड पर्स को सेलेक्ट किया गया और उससे 1 रुपये वाला कॉइन निकाला गया। मतलब यहाँ पे आपको फिर से देखिए, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है, हम लोगों को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रुपी कॉइन। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जिस कॉइन को सेलेक्ट किया जा रहा है, पर्स सेलेक्ट करने के बाद वो 1 रुपी कॉइन है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 रुपी कॉइन तो फर्स्ट पर्स में भी है, 1 रुपी कॉइन तो सेकेंड पर्स में भी है, 1 रुपी कॉइन तो थर्ड पर्स में भी है। क्लियर है ना? तो अगर मैं एक इवेंट मानता हूं ए 1 रुपी कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इसी तरीके से कोई इवेंट भी मानता हूं कि 1 रुपी कॉइन को सेलेक्ट किया जा रहा है थर्ड सेकेंड पर्स से,
और फिर इसी तरीके से कोई इवेंट सी मानता हूं जहां पे 1 रुपए कॉइन को सेलेक्ट किया जा रहा है किसी थर्ड पर्स से। तो अब आप समझो, आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि भाई साहब आप 1 रुपए कॉइन को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब यहां पे तो तीनों पर्स में है, तो 1 रुपए कॉइन जो तीनों पर्स में है, 1 रुपए तो कहीं से भी आ सकता है, जो भी रैंडमली बैग सेलेक्ट किया जाएगा सारे में है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 1 रुपए कॉइन का प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 1 रुपए कॉइन इस तीनों पर्स से सेलेक्ट करने का क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या ये किसके बराबर इक्वल होगा, तो आप बोलोगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपए कॉइन फ्रॉम फर्स्ट बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपए कॉइन फ्रॉम सेकेंड बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपए कॉइन फ्रॉम थर्ड बैग। लेकिन अब आप इस पॉइंट को समझो, ये पीए होने के लिए क्या जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीए, पीए का मतलब क्या हुआ, आप पहले ये समझो। इसका मतलब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 1 रुपए कॉइन फर्स्ट बैग से निकाला जाएगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी क्या होगा कि ये बैग को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं कि इस बैग से 1 रुपए कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर इस बैग को हमने सेलेक्ट ही नहीं किया होगा, फिर 1 रुपए कॉइन निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जा रहा है, इन तीनों बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट किया जा रहा है, उस बैग को सेलेक्ट करने के बाद उससे 1 रुपए कॉइन निकाला जा रहा है। अब ध्यान से समझिए, ये भी आपको श्योर नहीं किया कि आप किस बैग को सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब रैंडमली 1/3 चांसेस है कि हम इस बैग को सेलेक्ट किए होंगे, हमने ये 1/3 चांसेस है कि हमने इस बैग को सेलेक्ट किया होगा, 1/3 चांसेस है कि हमने इस बैग को सेलेक्ट किया होगा। तो अब टोटल चांसेस क्या हो गया, तो 1/3 बैग को सेलेक्ट करने का। अब आगे समझिए, बैग को सेलेक्ट करने के बाद अब 1 रुपए कॉइन तो कहीं से भी आ सकता है, तो हम निकालते हैं कि अगर पहला बैग सेलेक्ट हुआ होगा तो उससे 1 रुपए कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर टोटल यहाँ पे 5 कॉइन है, एक 1 रुपए वाला है और 4 1/2 रुपए वाला है, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट 1 रुपए कॉइन आने का फ्रॉम फर्स्ट बैग। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि पीबी का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि सेकेंड पर्स को सेलेक्ट किया गया हो। तो अब कहेंगे सर यहाँ पे 3 पर्स है, तो सेकेंड पर्स का सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3। अब सेकेंड बैग को सेलेक्ट करने के बाद इससे 1 रुपए कॉइन को निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2/5। इसी तरीके से पीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, पहले थर्ड बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, टोटल 3 बैग है तो क्या हो जाएगा, 1/3। अब थर्ड बैग को अगर सेलेक्ट किया गया है तो इससे 1 रुपया निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल कितना कॉइन है, 5, तो 3/5। अब ये आ गया, आपको आपको समझना है, यही पॉइंट है कि क्यों 1/3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि आप ये पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि इस पर्स को सेलेक्ट किया गया होगा, या फिर जो कॉइन को निकाला जा रहा है 1 रुपए कॉइन को, वो फर्स्ट पर्स से निकाला जा रहा है, तो सबसे पहले जरूरी क्या था, इस पर्स का सिलेक्शन। तो ये 1/3 यही पर्स का सिलेक्शन है। अब 1/3 पर्स का सिलेक्शन हो गया, फिर उससे 1 रुपए कॉइन आने का कितना चांसेस है, क्लियर है ना। तो अब बताइए पीए प्लस पीबी प्लस पीसी का वैल्यू हम लोगों को आ गया है कितना है, ये तो 1/3 × 1/5, 1/3 × 2/5, 1/3 × 3/5। तो अब हम लोग निकाल लेंगे पीए और पीबी और पीसी और इसके वैल्यू को ऐड कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, देखिए PA का वैल्यू कितना आया था, 1/3 × 1/5 प्लस 1/3 × 2/5 प्लस 1/3 × 3/5, क्लियर है ना। ये क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 2/15 प्लस 3/15 दैट इज 6/15 दैट इज 2/5। सो 2 इज द 2/5 इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कॉइन फ्रॉम एनीवेयर। ये यहाँ पे फिक्स नहीं है कि किसी बैग से, और ये किसी बैग में हमने क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शन सिर्फ लगाया कि जिस बैग का, एक बैग को हमने फिक्स कर दिया और फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर दूसरे वाले बैग को फिक्स किया, फिर वहां से 1 रुपए कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर तीसरे बैग को हमने फिक्स किया तो उसके बाद उससे 1 रुपए कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर ओवरऑल 1 रुपए आने का प्रोबेबिलिटी हमने निकाला। क्लियर है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला जा रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ए विनिंग द रेस इज 1/5, तो हम लोग कोई इवेंट मान लेते हैं ए, और ये इवेंट क्या है, हॉर्स ए विनिंग द रेस। तो हम लोगों को क्या बता रहा है कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का वैल्यू कितना है, 1/5। अब आगे बोला जा रहा है कि एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी विनिंग द रेस इज 1/6। इसी तरीके से हम फिर इवेंट बी मानते हैं, क्या है इवेंट बी, हॉर्स बी विनिंग द रेस। तो अब आपको बता दिया ये भी प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी विनिंग द रेस कितना हो जाएगा, 1/6 वैल्यू दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी विनिंग द रेस कितना दिया हुआ है, 1/6। अब आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन हॉर्स विल विन द रेस। आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हॉर्स रेस को जीत जाए, इसका मतलब क्या है कि पी ए आइदर हॉर्स ए और हॉर्स बी कोई भी एक जीत जाए, एनी वन, क्लियर है ना। अगर दोनों बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हॉर्स विनिंग द रेस, तब आप कंफ्यूजन में फंस जाते, फिर वहां पे आप और वाला कंसेप्ट नहीं लगाते, वहां पे फिक्स हो जाता, वहां पे क्या हो जाता कि ए को भी जीतना है एंड बी को भी जीतना है, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमसे अभी क्या पूछा जा रहा है, एनी वन हॉर्स विनिंग द रेस, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे तो ए जीत जाए चाहे तो बी जीत जाए। अब आप मेरे को बताओ क्या दोनों में आपको कुछ सिमिलरिटी लग रहा है, अगर ए हॉर्स जीता होगा तो ए जीता होगा, अगर बी जीता होगा तो बी जीता होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला पे बेस्ड हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब PA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/5 प्लस PB का वैल्यू कितना दिया, 1/6, ये क्या हो जाएगा, 11/30। अब इस क्वेश्चन को मजेदार कैसे बनाया जा सकता था, अगर आपको यहाँ पे PB का वैल्यू नहीं दे देता, आपको बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द रेस बाय हॉर्स बी इज इक्वल टू इतना। अगर आपको B के जगह, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको B की जगह वो B डैश का वैल्यू दे देता कि हॉर्स B का नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तब आप मेरे को बताओ कि कोई भी एक घोड़ा जीतने का और रेस जीतने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा। अगर ये दे देता फिर हम लोग क्या कंसेप्ट लगाते कि पी बी का वैल्यू वहां से निकालते और पी बी का वैल्यू क्या हो जाता, 1 - पी बी डैश, जो
वैल्यू देता तब क्वेश्चन मजेदार बनता। हम सपोज कर लेते हैं कि बी के नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/6 अभी दिया हुआ है, तो बी के जीतने का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6। इसका वैल्यू क्या होगा 6 - 1 दैट इज 5/6। अब फिर वही फॉर्मूला लगा देते, क्लियर है ना, तो आंसर क्या आ जाता PA प्लस PB, PA का वैल्यू 1/5, PB का वैल्यू 5/6 दैट इज 30। इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन का अलग अलग ढंग आपको क्या क्या दिया जा सकता है, क्या क्या मजेदार बनाया जा सकता है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव ढंग में डायरेक्ट बोल दिया कि बी रेस जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जहां पे आपको वो ना बताया गया हो, वो डायरेक्ट आपको बोल दे, उल्टा बोल दे कि बी और के जीतने का प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो उस केस में आपको पहले निकालना होगा 1 - करके जीतने का प्रोबेबिलिटी, क्लियर है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर से बैग का कहानी बताया जा रहा है कि अ बैग कंटेन 8 white balls किसी बैग में, ये है क्वेश्चन नंबर 12, अ बैग कंटेन 8 white balls 4 black balls 6 yellow balls एंड 6 red balls। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, ध्यान से समझना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट और रेड बॉल एट अ रैंडम इन अ सिंगल ड्रॉ ऑफ वन। अब देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ व्हाइट बॉल और अ रेड बॉल, व्हाइट बॉल या फिर रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो अब व्हाइट बॉल तो रेड बॉल हो नहीं सकता है या फिर रेड बॉल व्हाइट बॉल तो हो नहीं सकता है, मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला सेट केस हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब आप मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले टोटल बॉल कितना है 8 + 4 = 12, 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24, so out of 24 there are 8 balls which are white in color, तो अगर ये 8 आ जाए तो मेरा बात बन जाए, मतलब व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 8/24। इसी तरीके से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सो देयर आर 6 रेड बॉल आउट ऑफ 24 बॉल्स, तो यही 6 बॉल आ जाए तो अभी रेड बॉल का आने का क्वेश्चन को फेवर करेगा, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/24, ये क्या हो जाएगा 8 + 6 दैट इज 14/24। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7/12, क्लियर है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है अ बैग कंटेंट 2 white A bag contain 2 white balls, 5 black balls, 3 red balls. What is the probability of drawing a white? अब ध्यान से देखिए probability क्या पूछा जा रहा है? Probability of drawing a white or black or red ball. तो direct formula हम क्या लिखेंगे? Probability of getting either a white or black or red ball is equal to क्या हो जाएगा? Probability of getting white ball plus probability of getting black ball plus probability of getting red ball. अब आप मेरे को बताओ white ball आने का probability क्या हो जाएगा? तो total ball आप बोलोगे 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10. तो out of 10 2 white balls है. तो white ball आने का probability क्या हो जाएगा? 2/10.
इसी तरीके से ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5 out of 10। तो 5/10 प्लस रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 out of 10। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/10 दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप खुद सोचो, यहां पे जो भी बॉल है वो तो या तो व्हाइट कलर का है, या तो ब्लैक कलर का है, या तो रेड कलर का है। तो जब भी एक बॉल निकाला जाएगा वो या तो व्हाइट होगा, या तो ब्लैक होगा, या तो रेड होगा, और कोई तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यही पूछा है कि व्हाइट बॉल हो, या ब्लैक बॉल हो, या रेड बॉल हो, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1। मतलब जो भी बॉल निकालेंगे वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, क्लियर है ना, कोई और कलर का नहीं होगा। 10 का 10 बॉल यही तीनों कलर का है, मतलब इसका 100% प्रोबेबिलिटी है कि जो भी हम निकालेंगे वो यही तीनों में कोई ना कोई होगा, क्लियर है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2016 में पूछा गया है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी क्वीन ऑफ क्लब। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको वर्ड में लिखे तो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ डायमंड। इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, तो अब आप मेरे को बताओ, क्या कोई, आपको खुद अब सोचना है, आपको लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना है, क्लियर है ना। जैसे मेरे को पूछा गया क्वीन ऑफ क्लब, तो हम लोग अगर आपको बनाना है तो आप फिर बना सकते हो क्यू इवेंट, मान लो कि क्वीन ऑफ क्लब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर टोटल 52 कार्ड्स है जिसमें क्लब का टोटल 13 कार्ड होता है, उस 13 में सिर्फ एक क्वीन होती है, तो फेवरेबल केस क्या हो गया, यहाँ पे क्वीन नहीं बोला जा रहा भाई साहब, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वीन ऑफ क्लब। तो क्वीन ऑफ क्लब मतलब क्वेश्चन को फेवर सिर्फ एक केस करेगा, जब वो कार्ड क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्वीन ऑफ क्लब आया हो, मतलब एक ही कार्ड है आउट ऑफ दीज 52 कार्ड्स जो कि क्वीन ऑफ क्लब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब फ्रॉम आउट ऑफ दोस 52 कार्ड्स वो क्या हो जाएगा, 1/52, क्लियर है ना। इसी तरीके से गेटिंग अ कार्ड ऑफ किंग फ्रॉम डायमंड, अगर हम लोग की कोई के इवेंट मान लेते हैं और वो क्या है, किंग ऑफ डायमंड, तो आप मेरे को बताइए पीके का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1/52। और आपको खुद सोचना है क्योंकि कार्ड के केस में हो सकता है कि कॉमन भी कुछ रहे, तो अब आपको सोचना है कि क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ डायमंड बेसिकली एक एक कार्ड है और एक क्वीन किंग है और एक क्वीन है, कोई लग रहा है नहीं, कोई कॉमन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूसिव वाला केस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू क्लब प्लस पी के डायमंड, दैट इज, अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/52 प्लस 1/52 दैट इज 2/52 दैट इज 1/26, क्लियर है। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सक्लूसिव वाला में आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आपको हॉचपॉच लगेगा या फिर आप परेशान होंगे तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, क्लियर है ना। क्योंकि मुझे, मैंने ऐसा प्लान किया है कि आज इसी क्लास में अगर केस खत्म हो जाए नॉट एक्सक्लूसिव वाला में तो अच्छा हो, तो आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लेना, आपको परेशान नहीं होना, क्लियर है ना।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग मूव करते हैं।